परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी महानुभावगण, मैं नीलेश केशरी आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक एवं इस दरबार हॉल में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए अत्यधिक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। श्रीमान, मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ। मैं कुछ भी देखकर पढ़ने लिखने में अक्षम हूँ। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई सुनकर की है और इसी माध्यम से मैंने 12वीं स्नातक एवं सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। सिविल सेवा तक का मेरा यह सफ़र अत्यधिक रोमांचक एवं संतोषप्रद था। श्रीमान, मैं सिविल सेवा में मेरे चयन एवं भारतीय राजस्व सेवा में चयन के पश्चात मेरा मन अत्यधिक उत्साहित था, किंतु कई प्रकार की शंकाएं भी मन में थी। किंतु आज राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में प्रवेश के पश्चात मैं निसंकोच ये कह सकता हूँ कि मेरी शंकाएं काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। मुझे राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में प्रवेश के पश्चात यह सानंद आश्चर्य हुआ कि मेरे आगमन के पूर्व ही मेरे विषय में वहाँ सारी जानकारी थी एवं मेरे लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही थी, जैसे कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना, मेरे लिए कमरे की व्यवस्था या मेरे बैठने की कक्षाओं में मेरे बैठने का जो आयोजन, ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से ही चल रही थी। श्रीमान, राष्ट्रीय कर अकादमी में इमारतों को विशेष रूप से सुगम्य बनाने का प्रयास किया गया है एवं यहाँ विश्व स्तरीय इमारतें, जैसे कि हमारा मुख्य प्रशिक्षण केंद्र वल्लभी, हमारा भोजनालय एवं हमारे छात्रावास पूरी तरीके से सुगम्य बनाए गए हैं। श्रीमान, यहाँ विशेष प्रकार से जिम, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड इत्यादि की व्यवस्था है, जो कि विश्व के किसी भी अन्य संस्थान से तुलना योग्य है। श्रीमान, मैंने यहाँ पे कई सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया, साथ ही साथ मैंने अपने जीवन में पहली बार पातालकोट जैसे दुर्लभ दुर्गम ट्रैक को सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मैं इस ट्रैक को पूरा करने में हिचक रहा था, किंतु मेरे बैचमेट और संकाय सदस्यों ने मेरे अंदर ये आत्मविश्वास दिया कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ और अंततः मैंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया और अब मैं उत्साह से अगले माह होने वाले हिमालय ट्रैक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मैं उसे भी सफलतापूर्वक पूरा करूँगा। श्रीमान, मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर पर काम करता हूँ और यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि अब आयकर विभाग पूरी तरीके से डिजिटलीकृत हो रहा है और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि मैं आगामी वर्षों में, आगामी समय में जब मैं फील्ड पे होऊंगा तो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी क्षमताओं का दोहन कर पाऊंगा और समाज और देश के लिए अपनी पूरी क्षमताओं के साथ कार्य कर पाऊंगा। श्रीमान, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पे भिन्न समूह हैं और भिन्न समूहों की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। अकादमी ने मुझे यह सिखाया कि भिन्न आवश्यकताओं को किस प्रकार से अलग तरीके से अगर पूरा किया जाए तो समावेशी एवं सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। मैं अकादमी के इसी दृष्टिकोण को आगे ले जाने का प्रयास करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो सीख मुझे अकादमी से मिली है वो सीख मैं अपने कार्यों में कार्यान्वित कर सकूं और सिविल सेवा के माध्यम से मैं वंचित समूहों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करूं। मुझे ये सुअवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, सभा में उपस्थित महानुभव गण एवं मेरे सह प्रशिक्षु अधिकारियों को मेरा सादर नमस्कार। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, निस्संदेह ही हम भारतीय राजस्व सेवा के 72वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारी आज स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करते हैं कि हमें भारतीय गणतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भारत के उत्तरी भाग में स्थित जम्मू कश्मीर राज्य के परिक्षेत्र पुंछ से संबंधित हूँ, जहाँ विभिन्न कारणों से पढ़ाई करने के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, किंतु उन परिस्थितियों का निडरता से सामना करने
और सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने का श्रेय मैं अपनी माताजी को देना चाहूँगा। महोदय, मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित और भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी जैसी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण करने हेतु अवसर प्रदान हुआ। मैं आपको इस बात से अवगत करवाना चाहूँगा कि अकादमी परिसर में प्रवेश करने के पश्चात मुझे एक नई उमंग और एक नए जोश की अनुभूति हुई, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रशिक्षु अधिकारियों के भीतर से उत्पन्न हो रही थी। अकादमी में आने के पूर्व मुझे भारतीय संस्कृति का बोध केवल पुस्तकों के माध्यम से हुआ था, किंतु 23 राज्यों से जुड़े हुए मेरे अन्य प्रशिक्षु अधिकारियों से मिलने के पश्चात मुझे सही मायने में भारतीय संस्कृति में बसे विविधता में एकता के मूल मंत्र का पूर्णता आभास हुआ। महोदय, अकादमी अपने विविध क्रमादेश एवं अपने विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना, जिसमें क्रीड़ा एवं व्यायाम से जुड़े संसाधन भी उपलब्ध हैं, द्वारा हम प्रशिक्षु अधिकारियों में आपसी भाईचारा एवं सौहार्द की भावना उत्पन्न करने को सदैव कार्यरत है। मॉर्निंग पीटी से लेकर कक्षा कार्यवाही के आरंभ से पहले होने वाले योगा हमारे सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। महोदय, अकादमी में वार्षिक इंटेक्स खेल में प्रतिभागी होना मेरे लिए सबसे नवीन अनुभव का क्षण था, जहां मुझे अपनी शारीरिक सीमाओं को पूर्णतः जांचने का अवसर मिला। अकादमी खेल के माध्यम से न सिर्फ हमें मानसिक रूप से सशक्त बनने की ऊर्जा देती है, बल्कि शारीरिक रूप से प्रबल होने के अवसर प्रदान करती है। खेल के माध्यम से प्रशिक्षु अधिकारियों में आत्मबल एवं तालमेल विकसित हुआ है, जो समस्त जीवन एकता के प्रतीक के रूप में हमारे साथ रहेगा। महोदय, अंत में हम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि हम सेवा भाव में ली गई शपथ का पूर्णतः पालन करेंगे तथा संविधान में संकल्पित मानवीय आदर्शों की रक्षा करते हुए अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं निर्भीक होकर करेंगे। जय हिंद। Honorable President of India, the distinguished dignitaries and my esteemed colleagues, I pay my humble respect to you all. I am Chuki Womo, undergoing the Indian Revenue Service induction course at National Academy of Direct Taxes. I am from a Himalayan kingdom, the Kingdom of Bhutan, commonly known as the Land of Trigon. It is a small country, both geographically and in terms of population, but a peaceful country nonetheless. Today, I am much privileged and humbled to get this rare opportunity to share my experiences and the impressions of India, its culture and its citizens, and about my training, ongoing training at the Academy. Our two nations share a strong bond of friendship and trust. The spiritual heritage of Bhutan, that of Buddhism, has its root in the beautiful soil of Bharat. As a small kid, school kid in a remote village in central Bhutan, I heard about India during history lessons. The names like Emperor Ashoka, Buddha, Mahavir are inspiring even for a little kid. Of course, for a Bhutanese, India is a land of novel one, the place where great minds and teachers of humanity like Gautam Buddha and Nagarjuna walked and breathed. Now I'm living and studying in India. I feel a deep sense of satisfaction. I love the Indian festivals, Indian music, and the social relationships. I like the landscape, the weather, the colorful dresses, and above all, the humanity that every Indian I met exerts. Now, I know that India is truly a multicultural country with diverse way of life, yet bounded together by a sacred sense of Indianness. I felt truly humbled when I got admitted to this prestigious academy. Being educated in Bhutan, my knowledge and experience of the taxation is limited to my country. But now, being exposed through the training program, I get priceless ideas and came to know the complexities involved in the areas of taxation, the level of sophistication, the nuances involved in the formulation of the laws, rules, and regulations that guide the taxation system. The training here present me a chance to learn about the core concepts and the best practices in the field of taxation. We are not only taught about the Indian taxation system, but about the international systems of the taxation. All of the theoretical background in the classes are supplemented by the field visits and the international attachment, thus furthering our skills and enhancing our experiences. I am confident that after training here, I'll be a better tax officer, both in terms of knowledge and the skill sets. Last but not the least, I want to express my sincere gratitude to the Academy and above all to the people of India for being an inspiration. Thank you. Dhanyabad. Honorable President of India, esteemed dignitaries, senior officers, and my dear colleagues, a very good morning to all of you. It is my honor and privilege
to be given this opportunity to share my journey at NADT as a probationary officer with our esteemed guest today. I, Bidisha Chinte, hail from Assam, home to the mighty Brahmaputra, sprawling tea gardens, and more than 30 ethnic groups. I am an engineer and an MBA by educational qualification. I have worked in the corporate sector for 6 years till the desire to serve the nation beckoned me to join the civil services. About 3 months ago, we entered the temple of knowledge called NADT to learn the nuances of tax administration and begin our transformation as competent and empathetic tax administrators. While the lectures and classroom sessions chisel our minds to think as efficient tax administrators, what has been the most remarkable thing so far is the sense of camaraderie and esprit de corps that has developed amongst us batchmates within such a short span of time. The great father of our nation, Mahatma Gandhi, had said, "No culture can live if it attempts to be exclusive." At NADT, we share our similarities, but also celebrate our differences. Be it Bihu, Pongal, Lohri, or Christmas, every festival is celebrated with equal fervor. The aroma of Litti Chokha from Bihar, Idli Vadai from Tamil Nadu, Dal Bati Churma from Rajasthan, and Chole Bhature from Punjab waffle through our nostrils as we enter the NADT mess. Life at NADT is a perfect example of unity in diversity. Personally, for me, one of the most memorable experiences at NADT so far has been INTEX, the annual sports meet of NADT. The various games and events not only motivated us to be fitter and pushed us out of our comfort zones, but also brought out the spirit of sportsmanship and team building. At NADT, we are fortunate to not just have one of the best sports infrastructure in the country, but are also blessed with senior officers who encourage us to pursue our hobbies in order to mold us into well-rounded personalities. With 13 more months to go before the curtains get drawn on this beautiful chapter of our lives, I look forward to the rest of my training and hope to become a competent officer that the country is proud of. Jai Hind.